और जैसा कि हम बता रहे हैं कि नेताजी तो दावा करेंगे ही कि उनकी सरकार ने काम किया है, जनता क्या कह रही है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए नितिन, ताकि हमें पता चल सके कि फिरोजाबाद का दरअसल मूड है क्या, मिजाज है क्या। जनता के पास चल रहे हैं और भी लोग हैं, क्या चल रहा है सर फिरोजाबाद की जनता के मन में, क्या चल रहा है, थर्ड फेज में इलेक्शन है, क्या कहना चाहिए? फिरोजाबाद की जनता के मन में यह है कि हरिओम यादव पार्टी से जब निकाल दिए गए, उन हरिओम यादव तो शेर है, वो पांचों सीटों पर 20,000 वोट तो उसके पांचों सीटों पर रहे, यहाँ बीजेपी जीतेगी यहाँ पांचों सीटों पर। उसके पीछे वजह है कि रामगोपाल यादव नहीं चाहते हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव को लगता है कि अक्षय यादव को हराया तो हरिओम यादव। हम इतने बड़े नेता नहीं है प्रोफेसर साहब की कोई बुराई करें, हम नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करना सर। फिरोजाबाद की जनता के मन में रामगोपाल यादव लगातार कैंप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस तो सिरसावन सीट पर है जहाँ हरिओम यादव से उनकी अदावत चल। जिस दिन से ब्रजेश उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए पूरे जिले का सफाया हो गया, सारी सीटें बीजेपी भी आएंगी, समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है, एक हर विधानसभा 20,000 का ब्रजेश उपाध्याय का असर पड़ेगा। ब्रजेश उपाध्याय यहाँ के स्थानीय एक शख्सियत हैं, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं आप बताइए, आप खुद यहाँ क्लिनिक चलाते हैं, किस तरह से क्या इश्यूज हैं? भाई साहब हैं हमारे माननीय नेताजी ब्रजेश उपाध्याय जी, इनके भाजपा में आने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट पड़ा है आपको, और क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके पब्लिक के? सबसे बड़ा मुद्दा तो गायों का ही, आपको लग रहा है गायों का मुद्दा नाराजगी में तब्दील होगा? नाराजगी में तब्दील हो सकता है। कैसे तब्दील? ऐसे हो सकता है, ये किसान की नौकरी खेतों पर पड़ी हुई है कि वो सुबह शाम खेत पर ड्यूटी देता है और रात में भी जा रहा है, दिन में भी जा रहा है, उसकी फिर भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कल परसों ही हमारे यहाँ गांव में दो ट्रक और गाड़ियों में और गायों को और छोड़ गए, और पहले से जो थी ऑलरेडी वो तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी और भी लोग हैं लगातार रिएक्शन ले रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या चल रहा है फिरोजाबाद की पब्लिक के मन में, क्या चल रहा है फिरोजाबाद, क्या पांच सीटें हैं, पांच में से चार बीजेपी ने जीती थी, एक सिरसागंज पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब इस बार पांच की पांचों विधानसभा सीटें फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ जीत रही है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। क्या लग रहा है समाजवादी किला ढह चुका है, दोबारा रिपीट करेगी बीजेपी आपको? क्या लग रहा है? बिल्कुल बीजेपी आएगी और भाजपा वो सपा सरकार बिल्कुल हटेगी यहाँ से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब देखिए फर्स्ट फेज के बाद बीजेपी के नेताओं की भाषा बदल गई है, वो गर्मी की बात करते थे लेकिन अब वो उनकी टोन डाउन हो गई है, और जिस तरह से फर्स्ट फेज में उनको लग रहा है अखिलेश यादव को कि बीजेपी लूज है, कहीं ना कहीं नुकसान में है और गेन करती समाजवादी पार्टी। नहीं बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल हमारे सही हैं, सबसे अच्छी पार्टी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे, गुंडागर्दी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे क्या एक ग्रामीण के तौर पर आपको, मैं आना चाहूँगा युवा के तौर पर, क्या मुद्दे हैं फिरोजाबाद के, जब आप एक यूथ वोटर वोट करेगा तो क्या जहन में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी अच्छी है, निकलनी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी पे विशेष ध्यान, गायों पे बेरोजगारी पे विशेष ध्यान दिया जाए, बेरोजगार मुद्दा बनाए। बिल्कुल देखिए मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर ही फिरोजाबाद की जो जनता है वो अपना मन बना रही है, और अलग अलग राजनीतिक दलों के वादों पर कितना विश्वास कर रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं।